खबरों के अनुसार 11 तारीख को प्रदेश की वर्तमान सरकार एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है, तो ख्याल आता है कि सरकार की गारंटियां फेल हो गई, विकास कार्य बंद हो गए, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, नशे का प्रचलन बहुत बढ़ गया। ऐसे में एक भी अस्पताल खुला नहीं, एक भी संस्थान खुला नहीं, 1500 संस्थान बंद कर दिए। वो जश्न किस चीज का है, ये एक प्रश्न आता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो अपने लिए तो आनंदित हो सकते हैं, परंतु हिमाचल की जनता के लिए आनंदित होना ऐसा कोई विषय प्रतीत नहीं होता। और सरकार का अपने आप कहना कि हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो जश्न मना रहे हैं, ये थोड़ा अटपटा सा है। भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट को सेलिब्रेट करे। आज तक के हिमाचल के इतिहास में किसी भी सरकार का पहला साल इतना और अप्रभावी नहीं रहा, इतना जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल फेलियर वाला रहा, ऐसा कोई भी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगी, जिला स्थानों के ऊपर प्रदर्शन होंगे जिसमें मंडी जिला में 12 तारीख को और कांगड़ा जिला में 18 तारीख को होगा, क्योंकि 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी या सरकार व्हाटसोएवर वो कांगड़ा में अपना कार्यक्रम करेंगे, तो हम कांगड़ा में 18 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जनमानस को जो वर्तमान सरकार ने डिसीव किया, 22 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना देना था वो नहीं दिया, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देनी थी वो नहीं दी, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना था वो नहीं दिया, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था वो नहीं खरीदा, 300 यूनिट बिजली के फ्री देने थे वो नहीं दिए, और इसी तरह की सारी गारंटियां। और जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको लेकर के, नशे के प्रचलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रोश दिवस मनाई। हम जनता की आवाज को बुलंद कर, स्कूलों को बंद करना, अस्पतालों को बंद करना, कार्यालयों को बंद करना, जो जनता की मांग पर, जनता के आग्रह के ऊपर सरकार ने चलाए और जो चल रहे थे, जो सेवाएं दे रहे, ऐसे संस्थानों को बंद किया है, ये
बहुत दुखदाई है और इसको लेकर के आक्रोश दिवस के रूप में 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी सभी जिला स्थानों के ऊपर मनाए। तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो करारी हार हुई है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा मैंडेट दिया, उसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह को, हिमाचल प्रदेश से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं आपके माध्यम से, और इन तीनों राज्यों की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और शुभकामनाएं देना चाहते हैं जिन्होंने यह संदेश दिया कि तुष्टिकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। बहुत जमाना हो गया केवल धर्म के नाम के ऊपर लोगों को बांट करके उनके वोट लेना, बहुत हो। एक नया फार्मूला शुरू किया कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर, जातिगत जनगणना का, उसका भी खूब शोर हुआ, उसको भी देश की जनता ने नकार दिया और अब कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में। इनके गठबंधन वो परेशानी में आकर के बहुत ही ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए निंदनीय कहने के लिए भी शब्द ढूंढना कठिन है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के एक साथी ने उत्तर भारत के लोगों को, उत्तर भारत की राजनीतिक पार्टियों को, उत्तर भारत की सरकारों को, जनता को गोमूत्र से जोड़ दिया, विडंबना है। गौ के सहारे हमारे देश की इकोनॉमी हजारों साल से चलती आई, आज आप और उसको एक हे दृष्टि से देख रहे हैं। आपने सनातन को गाली दी, आपने सनातन को समाप्त करने की बात की तो देश की जनता ने आपको नकार, और अब पहले जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर डिवाइड करके वोट लेने के लिए आगे बढ़ते थे और अब कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर और दक्षिण का नारा लगाया। ये भारत उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक है। भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत और भारत खंडित ना हो इसकी बात करती है और ये एक बार फिर उसी प्रकार का डिवाइड करके वोट लेने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। परंतु आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी को और इनके गठबंधन को अच्छे से समझ चुकी है। परिवारवाद को पूरी तरह से देश की जनता ने नकार दिया है और ये जो बौखलाहट है इनकी वो भी अब काम नहीं आएगी। इतना मुझे आपसे साझा करना। जहाँ भाजपा पे और नेता प्रतिपक्ष पे व्यंग कसते हुए वो कह रहे हैं कि जीत कहीं और होगी और नाटी यहाँ डाल रहे हैं। भारत का मिजाज बदल रहा है। भारत ने श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को सर्वोच्च तरीके से स्वीकारा है, मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है, गरीब कल्याण की जो उनकी योजनाएं हैं उसको स्वीकारा है, सबका साथ सबका विकास
इस बात को स्वीकारा है और मोदी जी ने कहा मेरे लिए भविष्य की दृष्टि से केवल चार ही जातियां हैं, महिलाओं का कल्याण, युवाओं का कल्याण, किसानों का कल्याण और गरीब का कल्याण, और उसी में भारत का कल्याण निहित है। इसलिए ये मिजाज अगर भारत का बदला है तो हिमाचल भारत से अलग नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष सिंह का बयान आया और कांग्रेस के काफी लोग नाराज हैं, कई सरकार की विधायक नाराज कर रहे हैं, क्या कुछ लोग आपके संपर्क में हैं? नहीं, मैंने बयान तो मैंने भी सुना उनका, और मुझे भी लगा अब 11 तारीख सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, तो ये इनका इंटरनल मामला है। और सामूहिकता में प्रयास प्रदेश के लिए नहीं हो रहा, इनमें कितनी लड़ाई हो कितनी ना हो उससे हमको कुछ नहीं लेना, पर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं नुकसान में है, इतना मुझे। कांग्रेस के विधायक हैं कुछ संपर्क में जिस प्रकार से नाराज हैं? हम जनमानस के लिए खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को और स्ट्रांग करने के लिए खड़े हैं, उस काम में जुटे हैं, इतना ही। अगर सरकार टूटती है तो प्रयास होंगे भाजपा की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगी। मैनेजमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर कुछ गड़बड़ होती है तभी आपसे ये सवाल। 2024 में चारों सीटें जीतने के लिए बहुत कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा।